आज के जो पार्ट है वो आधारित है एमडीएच फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए एमडीएच का होता है एमडीएच फार्मूला, एमडीएच का होता है एम से मानिएगा मैन, एम से क्या मानिएगा मैन, और डी से क्या मानिएगा डे यानी डी, और एच से क्या होगा आवर, ठीक है आवर यानी समय, कितना घंटा, एम से मैन, डी से डे, एच से आवर। तो एमडीएच फार्मूला क्या होता है देखिए सीखिएगा, एम वन गुना डी वन गुना एच वन बटा में डब्ल्यू वन, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वन, यानी एम से मैन, डी से डे, एच से आवर और डब्ल्यू से वन बराबर होता है एम टू गुना डी टू गुना एच टू बटा में डब्ल्यू टू बटन क्या होगा डब्ल्यू टू, यानी एक तरफ लगे एम वन गुना डी वन गुना एच वन बटा डब्ल्यू वन बराबर होगा एम टू गुना डी टू गुना एच टू बटा डब्ल्यू टू, इस पर आधारित क्वेश्चन आज बनेगा, ठीक है ये याद रखना आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है इसे देखिए, बोला यदि 100 दिन ना 100 दिन में 100 चूहे मारती है, ये पहला इक्वेशन बन रहा है, ये पहला मिलकर कर यहाँ का कि 100 बिल्लियां है जो 100 दिन में 100 चूहा मारती है, क्योंकि 100 बिल्लियां यहाँ पर क्या काम करेगा तो मैन का काम करेगा, कहा है कि 100 बिल्लियां जो है वो चूहा को मार रहा है, तो यहाँ पर चूहा का हो जाएगा चूहा मर रहा है, ये चूहा हो जाएगा काम, यहाँ समय के अपना 100 दिन, यानी कह सकते हैं कि एम वन की जगह पर कितना रहेगा 100 बिल्लियां, 100 बिल्लियां कितना समय लगा है तो 100 दिन, 100 दिन, और कितना चूहा मारा गया बिल्ली के द्वारा तो 100 चूहा मारा गया, तो 100 चूहा मारा गया तो क्या हुआ है ये वायर हुआ है ये डब्ल्यू वन की जगह पर, यानी 100 बिल्लियां 100 दिन में कितना काम 100 चूहा मारने का काम किया है बराबर करेंगे कह, तो अब 4 बिल्लियां 4 चूहे कितनी बिल्ली मारेंगी, ये 4 बिल्लियां यानी एम टू की जगह करना, अब 4 बिल्लियां कितने दिन में तो x दिन में, और कितना चूहा मारेगा नहीं पता है तो क्या कितना चूहा मारेगा पता है 4 चूहा, 4 चूहा मारना का होगा काम होगा, तो लगाएंगे एम वन गुना डी वन बटा डब्ल्यू वन बराबर एम टू गुना डी टू बटा डब्ल्यू टू, देखिये यहाँ एच वन एच टू पर काम नहीं है, यहाँ पर क्या आवर नहीं मिला है, सिर्फ क्या है 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहा, तो 100 बिल्ली का हो गया यहाँ पर एम वन का काम करेगा, 100 दिन का हो गया तो डी वन का काम करेगा, और 100 चूहा मारा गया है, 100 चूहा मारा गया है बिल्ली के द्वारा काम हो रहा है क्या चूहा मारने का काम हो रहा है, तो यहाँ काम कितना है डब्ल्यू वन 100, अगर 4 बिल्लियां 4 चूहे कितनी दिन मारेंगे, तो अब यहाँ एम टू कितना 4 बिल्लियां 4 चूहा मारा जाएगा, तो 4 चूहा मारा जाएगा डब्ल्यू टू कितना दिन तो 1 दिन, ये लगाएंगे आंसर आ जाएगा पर छत पर, 100 से 100 खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये 4 से 4 खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया 100, यानी 100 दिन लग जाएगा कितना दिन 100 दिन, ऑप्शन कौन रहेगा डी नंबर ऑप्शन डी, तो इसी पर बनाना है m1 गुना d1 गुना h1 बटा w1 बराबर m2 गुना d2 गुना h2 बटा w2, इस धारित का क्वेश्चन आज का सब बन जाएगा। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन कर, 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती है, देखिए कहा है यहाँ पर 8 मशीनें हैं, तो 8 मशीन काम करना स्टार्ट किया है, m1 का मान क्या बन जाएगा 8 मशीन, कितना मिनट तो 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ पर क्या h1 का काम हो जाएगा, और कितना रस का डिब्बा भर रहा है तो 560 डिब्बा भर रहा है, 560 रस के डिब्बा, यहाँ पर डिब्बा जो भर रहा है उनका वह काम हुआ, लगाएंगे m1 का मान 8 h1 का मान कितना 2, तो काम कितना हुआ 560 डिब्बा भरा गया है, 560 डिब्बा का यहाँ डब्ल्यू वन एम वन गुना एच वन बटा डब्ल्यू वन, यहाँ देखिए दिन का कोई नहीं दिया है, दिन से कोई मतलब नहीं है तो दिन का काम नहीं है, अब 20 मशीन द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जा सकते हैं, तो कितना हो गया 20 मशीन, अब काम करेगा 20 मशीन, तो एम टू की जगह पर करना 20 मशीन, कितना मिनट 6 मिनट, एच टू का मान करना 6, कितना रस के डिब्बा भरा जा रहा, जितना भी रस के डिब्बा भरा जा रहा होगा काम होगा, तो काम कहा नीचे लिखेंगे, काम कहा नीचे x, यानी m1 गुना h1 बटा w1 बराबर m2 गुना h2 बटा w2, इसको सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा,
देखिए यहाँ से कट गया, आठ सौ कितना लगा, छप्पन, आठ सौ छप्पन, यहाँ काट लिया दो महीना बीस, दो महीना बीस, ये सब छह बयालीस, बयालीस में दस कीजिएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा, चार सौ बीस, चार सौ बीस। देखिए यहाँ एक जीरो जाएगा आठ सौ छप्पन सत्तर से, यहाँ दो जीरो यानी कितना बयालीस सौ, सब छह बयालीस, बयालीस का कितना डबल जीरो, यानी बयालीस सौ बी का भरा जाएगा, कितना जाएगा बयालीस सौ, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बी। फिर एक प्रश्न दिए, आठ मशीन दो मिनट में 560 गैस के लीटर भर सकती है, तो काम कर रहा है आठ मशीन कितना मिनट, दो मिनट, अब कितना काम हो रहा है, तो 560 डिब्बा रस भरा गया है, तो आठ मशीन ए1, 560 डब्ल्यू1 और दो मिनट एच1। अब है 20 मशीनों द्वारा, तो 20 मशीन क्या लगा एम2 हो जाएगा, छह मिनट एच2, छह मिनट कितना रस का डिब्बा, तो डब्ल्यू2, डब्ल्यू2 हो जाएगा कितना एक्स1 में, यानी कर लिया एक्स1 बयालीस सौ आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे, वही दीवार को जो एक दीवार का निर्माण था ना, वही दीवार। तो यहाँ लगाइए एम बी एच फॉर्मूला, तो करा 15 आदमी, तो एम वन का मान करना 15, कितना दिन में 10 दिन, तो डी वन को 10, 8 घंटा प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना घंटा, 8 घंटा, तो आधा एच वन को करना 8, ठीक है। अब करा है यही काम को 8 आदमी कितने घंटे, तो 8 आदमी यानी एम टू का मान करना गया 8, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन, एक समय कितना डी टू का मान 10, और कितना घंटा प्रतिदिन मतलब एक घंटा, दोनों काम क्या है बराबर है, का ये भी है काम बराबर में अगर डब्ल्यू लीजिएगा तो यहाँ पर डब्ल्यू पर डब्ल्यू टू बने रहेगा, यानी दोनों काम क्या है बराबर, तो काम से कोई मतलब नहीं, डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं, तो एम वन गुना डी वन गुना एच वन बराबर एम टू गुना डी टू गुना एच टू, लगाएंगे निकल जाएगा। देखिए 10 से 10 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, यानी एक्स बराबर कितना गया 15, ये क्या है 15 घंटे प्रतिदिन आया है, 15 घंटे प्रतिदिन, यानी कर 8 आदमी को 15 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, कितना दिन 10 दिन, तब काम समाप्त हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 15 दिन, 15 घंटे, 15 घंटे प्रतिदिन। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, कर एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर, यानी एक दिन में कितना घंटा 7 घंटा, यानी कह सकते हैं 7 घंटा प्रतिदिन, यानी एच वन का मान कितना हो गया यहाँ पर 7, चार व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक कार्य को करने के लिए लग रहा है कि 7 घंटे प्रतिदिन, चार व्यक्ति और 8 दिन लगता है, यानी यहाँ से एच वन का मान आ गया 7 घंटा, यहाँ से चार व्यक्ति है एम वन का मान कितना, चार व्यक्ति हो गया और 8 दिन लगेगा, यानी क्या हो गया बी वन। अगर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, चार दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा, यही काम को अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम किया जाए, 8 घंटे प्रतिदिन यानी क्या होगा एच टू, चार दिनों में यानी क्या गया डी टू, कितना व्यक्ति रहेगा तो पता नहीं, तो एम टू, एम टू का मान कम है लगाइए, एम वन का मान 4, डी वन का मान 8, एच वन का मान 7, जो काम रहेगा तो काम दोनों तरफ रहेगा, तो काम से लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ गया एम वन गुना डी वन गुना एच वन बराबर एम टू, एम टू का मान नहीं पता, मान लीजिए कितना व्यक्ति एक्स व्यक्ति, एम टू लेवल करना एक्स व्यक्ति, डी टू करना 4 दिन, अब कितना घंटा प्रतिदिन काम करना है 8 घंटा काम करना है, तो कितना व्यक्ति को काम पर लगाना होगा, देखिए 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है 4 से 4 खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 7, यानी 7 व्यक्ति को काम पर लगाना होगा, कितना 7 व्यक्ति, आंसर आ गया, ये कौन सा चीज आएगा डी नंबर ऑप्शन डी। तो यही लगाना है m1 गुणा d1 गुणा h1 बटा w1 बराबर m2 गुणा d2 गुणा h2 बटा w2, और जहां काम बराबर है तो w से कोई मतलब नहीं। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है,
छह पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है? देखिए कल का विधि बताया है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर 9 गुना 2 यानी आदमी की संख्या और समय को गुना कर देंगे तो काम का क्वांटिटी निकलेगा। तो निकल यहाँ पर 10 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो कितना काम होगा क्वांटिटी का होगा काम का लगाएंगे 10 वुमेन कितना दिन 6 दिन निकाल कर दिया काम निकल गया। अब यही काम को 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में करता है यही काम को अगर 6 पुरुष 6 मिनट काम करता है तो 5 दिन लगेगा ठीक है ना काम बराबर यही काम है। और यही काम को फिर 8 बच्चा करता है तो 10 दिन लगता है 8 बच्चा को कितने दिन लगेगा 10 दिन लगेगा 8 बच्चा को 10 दिन लगेगा। तो चलिए अब इसको रेशियो में लिखते हैं ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कर सकता है तो यहाँ से कर सकता है 5 से 5 = 5 5 × 10 और 5 × 10 और क्या कर सकता है यहाँ से 2 कर सकता है 2 × 2 = 6 और 2 × 2 कट गया यानी यहाँ से कर सकते हैं कि 6W = 3M = 8B। तो पूछ रहा है एक महिला एक पुरुष और एक बच्चा का क्षमता का अनुपात कितना यानी महिला पुरुष और बच्चा का ऐसे कितना। लेकिन अब रेशियो में हम पढ़ाए थे कि अगर ये बराबर में रहेगा तो इसको रेशियो में लिखने का तरीका क्या होगा ठीक है। इसको रेशियो में लिखने का तरीका क्या होगा देखिए एम का मान निकालना है तो एम वाला को ध्यान दीजिए ठीक है। पहले महिला ने बोला है यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं महिला पहले बोला है ठीक है। यहाँ पर क्या है महिला पहले रखना है यानी वोमेन को पहले रखना है। तो चलिए रखिए पहले महिला यानी वोमेन फिर पुरुष यानी मैन और कौन है बच्चा इसका रेशियो लिखना है। चलिए वोमेन का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे वोमेन को झाप देंगे इसको झाप दीजिए और बाकी गुणा कीजिए 28 इसको नीचे लिख देंगे। अगर मैन का रेशियो लिखना है तो मैन वाला को झाप लिए इसको झाप दीजिए और बाकी गुणा कीजिए तो 6 × 8 = 48 और बच्चा का रेशियो लिखना है तो बच्चा को झाप दे 6 × 18 यही आ गया क्षमता का रेशियो। क्या आया क्षमता का रेशियो ठीक है ये क्या आया क्षमता का रेशियो। अब इसको मैं कॉमन कीजिए कुछ कॉमन हो रहा है 3 होंगे तो 6 कॉमन हो रहा है ये 6 × 24 6 × 24 16 × 8 = 48 और 6 × 18 यानी कितना गया 4 × 8 3 तीन क्या हो गया 6 कॉमन हो गया 4 × 8 3 का रेशियो यही क्या हुआ क्षमता का रेशियो जो आएगा ना क्षमता का रेशियो। और इसको अगर मेरा तक मिला समय का रेशियो लेकिन समय का रेशियो में कुछ आता कुछ आया क्षमता का रेशियो कौन सा ऑप्शन रहेगा ए नंबर ऑप्शन ए। और ये 6 नंबर क्वेश्चन है 5 महिलाएं एक कार्य 36 दिनों में कर सकती है मैन गुना डे तो क्या लगा फर्क यानी 5 महिला 5 वुमेन कितना दिन में 36 दिन में काम करती है कब काम यानी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के अनुपात एक यानी यह क्या चीज मैन और वुमेन की क्षमता का रेशियो कितना 3:1 ये क्या है क्षमता का रेशियो है क्षमता का रेशियो। तो लगाइए क्षमता का रेशियो 3:1 याद कीजिए कि उसी कार्य को 5 पुरुषों द्वारा पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यानी यही काम हो जो 5 वुमेन 36 दिन में करेगा तो यही काम को 5 पुरुष करेगा या 5 पुरुष तो कितना दिन लगेगा मान लिया 1 दिन दोनों काम क्या बराबर यानी 5 वुमेन 36 दिन में यही काम को 5 महीने कितना दिन में जबकि मैन और वुमेन की क्षमता का रेशियो 3:1 है। देखिए अब मैन का रेशियो 3 और वुमेन का रेशियो 1 रख दीजिए मैन का क्षमता कितना क्षमता रख दीजिए मैन का क्षमता 3 और वुमेन का क्षमता कितना यहाँ पर 1 तो 5 × 1 = 5 तो 5 × 36 और यहाँ 5 × 3 कितना जगह 15 5 × 3 कितना 15 × 1 ये कटेगा 5 × 3 = 15 12 × 3 = 36 यानी एक्स बराबर कितना आ गया 12 दिन यानी कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा ये ऑप्शन पर जाएगा सी नंबर ऑप्शन सी। फिर समझ लीजिएगा करा था 5 वुमेन किसी काम को 36 दिन में करता है तो यही काम को 5 आदमी कितना दिन में यही काम को
तो आदमी की संख्या और देव की संख्या गुणा कीजिएगा तो क्या निकला होगा? यदि आदमी की संख्या और देव को गुणा कीजिएगा क्या निकला होगा? और दोनों काम का हर बराबर है। अब इसी में देखा था कि एक नर और एक वो मई को क्षमता का रेशियो अनुपात एक, तो जो काम आएगा ना उसमें नर का रेशियो और वो मई का रेशियो डाल दीजिएगा क्षमता का, निकल जाएगा आंसर। आइए हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह छह पुरुष और पांच बानर पांच दिनों में 1400 रुपया कमाते हैं। देखिए क्या दिया है, छह पुरुष छह नर और पांच बानर, छह पुरुष और पांच बालक मिलकर पांच दिन काम करता है तो कितना रुपया कमाता है? 1400। देखिए रुपया कमाना क्या होगा, यहाँ पर काम होगा, यानी कितना का काम कर रहा है? 1400 रुपया का काम कर रहा है। तो डब्ल्यू वन के बराबर कितना रखेंगे? 1400। अब कह रहा है आठ पुरुष और सात बालक, आठ पुरुष और सात बालक मिलकर, सात बालक मिलकर आठ दिनों में, कितना? आठ दिनों में, ठीक है, आठ दिनों में 340 रुपए कमाते हैं। देखिए 340 नहीं भाई, गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा 3040 यहाँ पर, कितना? 3040 लिखे, 3040 रुपए कमाते हैं। दोनों का होगा बराबर, दोनों का होगा बराबर। लेकिन दिया है चार पुरुष और तीन बालक कितने दिनों में 720 रुपए कमाएंगे, तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैन और बच्चा बालक का क्षमता का रेशियो निकालिए यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से निकालेगा एक जो लिखा होगा कट जाएगा, अब चार से इसको कट लिया, चार से इसको काट लिए, इसको चार से कट लेगा तो कितना कटेगा? 35। इसको चार से कट लेगा तो कितना कटेगा? 76। फिर यहाँ से कटेगा तो 7×5=35। अब यहाँ से काटिएगा इसको तो आ जाएगा 19×76 और 2×8 14 देखिए एम को एक तरफ और बी को एक तरफ, 114 में से 112 घटेगा तो कितना देगा? 2m, और 95 घटेगा 98 कितना देगा? 3m। यानी यहां से m और b का रेशियो निकालेंगे, m और b का रेशियो तो कितना जाएगा? m का रेशियो 3 तो b का रेशियो 2, यानी 3/2 का रेशियो, 3/2 का रेशियो। ये क्या निकला है? क्षमता का रेशियो निकला है। क्या निकला था? क्षमता का रेशियो, ठीक है, क्षमता। एक मैन और एक वोमैन को क्षमता का रेशियो कितना? 3/2 का रेशियो है। अब आगे क्वेश्चन बोला है चार पुरुष और तीन बालक कितने दिनों में 720 रुपया कमाएंगे, तो चलिए क्वेश्चन से चार पुरुष यानी चार मैन और तीन बालक, तीन बालक कितना दिन में? तो एक दिन में कितना रुपया कमाना है? तो 720 रुपया कमाना है, 720। देखिए तो जो यहाँ से काम करता है तो कोई भी एक यहाँ से नहीं, चाहे ये वाला पूरा पार्ट रखे या ये वाला पार्ट रखे, ये दोनों क्या है? काम है। कोई भी वाला पूरे तरह बोलते हैं 6m + 5b × 5 बटा में कितना? 1400। अब यहाँ देखिए एम का क्षमता जो है फुट करेंगे, एम का क्षमता कितना है? 3, तो यहाँ 3 फुट करेंगे। बी का क्षमता कितना है? 2, तो यहाँ 2 फुट करेंगे, कितना? 2। यहाँ एम का क्षमता कितना? 3, यहाँ बी का क्षमता कितना? 2। इसको काट छट कर लीजिए, देखिए काटिएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कर जाएगा, ठीक है, ये 5 से इसको काट लीजिए तो कितना मतलब कर जाएगा? 28 मतलब, 28 मतलब। अब और काटिएगा यहाँ से तो हो जाएगा ये 18 × 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 728। चलिए इसको समझिए, ये होगा 4 × 3 = 12 और 3 × 6 = 18 × 1/18 और यह जाएगा 6 × 18 = 10 = 28 बटा में करना 728 आ गया, और ये 18 × 18 कर दिया, एक्स बराबर कितना आ गया? 4। एक्स बराबर कितना आ गया है? 4, यानी कितना दिन लगेगा? 4 दिन। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी। फिर से क्लास में लीजिएगा
छह पुरुष और पांच बालक पांच दिनों में 1400 रुपए कमाते हैं, यानी छह मैं और पांच बच्चा मिलकर पांच दिन में 1400 रुपए का काम किया है। अब कह रहा है कि आठ मैन सात बच्चा आठ दिन तक काम करता है तो 3040 रुपए कमाता है, दोनों का बराबर। तो यहाँ से निकालिए क्षमता का इसी, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ से चार मैन तीन बच्चा मिलकर एक दिन में 720 रुपए कमाता है, इसके बराबर में कोई पार्ट रख देना है, चाहे तो ये वाला पूरा पार्ट रखे या ये वाला पूरा पार्ट रखे, कोई भी रख करके और ए का रेशियो और बी का रेशियो रख करके पुट करके सॉल्व करना है, तो निकल जाए एक्स का मान। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर में है यदि आठ व्यक्ति और 12 लड़के एक कार्य 12 दिनों में करते हैं। देखो बताइए आठ व्यक्ति यानी आठ मैन और 12 लड़के, 12 बॉय यानी आठ व्यक्ति और 12 लड़का मिलकर काम करता है तो कितना दिन में करेगा, 12 दिन। और 40 व्यक्ति और 45 लड़के उस कार्य को 3 दिन में कार्य कितना दिन में करेंगे, यानी 40 व्यक्ति 40 मैन और 45 बॉय 45 बॉय मिलकर काम करता है तो कितना दिन करेगा, एक दिन में कितना काम, पहले की तुलना में 3 गुना काम। मान लीजिए पहले अगर एक काम किया होगा अब कितना काम करेगा, 3 गुना काम, यानी 3 दोनों का बराबर है, यानी ये हो गया एन वन गुना डी वन बटा में डब्ल्यू वन करना वर्क करना ए, या हुआ एन टू गुना डी टू तक वर्क कितना, पहले की तुलना में 3 गुना तो डब्ल्यू टू करना 3। फिर बोला है जबकि 16 व्यक्ति 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने 12 लड़के 24 घंटे में, यानी यह दिया है कि 16 व्यक्ति 16 मैन 8 घंटे में उतना ही काम करेगा जितना 12 बॉय 12 बॉय 24 घंटों में, ठीक है, यानी 16 मैन 8 घंटे का काम बराबर होगा 12 बॉय के 24 घंटे का काम के बराबर। लेकिन यहां से क्षमता का रेश्यो निकालिए, यहां से करेगा तो अट्टियाई के बन जाएगा, अट्टियाई 24 हो जाएगा, अट्टियाई 24 और काटे यहां से मिलेगा 4×16 और 4×12 4×12 यानी कह सकते हैं 4n = 9b 4n = 9b यानी a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, तो a का रेशियो सामने वाला 9 तो b का रेशियो कितना सामने वाला 4, ये क्या निकला क्षमता का रेशियो, एक मैन और एक बच्चा के क्षमता का रेशियो का नंबर का 4। अब रख लीजिए मैन जहां है उसका क्षमता 9 और बॉय जहां है वहां उसका क्षमता 4, रखिएगा मैन का क्षमता कितना है 9, बॉय का क्षमता कितना है 4, यहां पर मैन का क्षमता कितना है 9 और बॉय का क्षमता यहां पर कितना है 4, इसको सॉल्व कर लीजिए निकल जाएगा आंसर। देखिए यहां लिखिएगा तो 9×8=72 और बच 48, तो 72 और 48 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ से 10 सात जगह पर 120 गुना 12 और 3 गुना कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा ये 3 होगा, यहाँ से कीजिए तो ये जाएगा 9×36 360 ये कितना होगा 360 और यहाँ से 45 गुना 4 कीजिएगा तो जाएगा 45 गुना 4 180 इसको जोड़ लीजिए 0×8=14 8 फिर समय लीजिए 8 व्यक्ति 12 लड़के मिलकर काम करता है तो 12 दिन में काम समाप्त करता है, यानी 8 आदमी और 12 लड़का मिलकर काम किया तो 12 दिन में काम किया तो काम कितना, मान लीजिए 1 अगर है इससे 3 गुना काम तो काम 1 तो यहाँ करना डब्ल्यू टू करना 3, यानी कितना व्यक्ति 40 व्यक्ति और 45 लड़का कितना दिन में, एक दिन में। लेकिन यह क्या है 16 व्यक्ति 8 घंटे में उतना ही काम करेगा जितना 12 लड़के 24 घंटे में, लेकिन यहाँ से निकाल दिया क्षमता का रेशियो, 16 मैन 8 दिन का काम 8 घंटे का काम और 12 बॉय 24 घंटे का काम दोनों का बराबर,
मन और व्यय का उससे मन बचा, मन मन जा रहा है वहां नौ नौ फुट करेंगे और व्यय व्यय जा रहा है वहां चार चार फुट करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान चल जाएगा कितना जाएगा आठ। आइए नौवां नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर है कि सुंदर पुरुष एक कार्य को आठ दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। उनका सुंदर पुरुष आठ घंटा डेली काम, आठ घंटा दिन, आठ दिन रहेगा 12 घंटे प्रतिदिन, सुंदर पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन तो आठ दिन काम करता है तो एक काम समाप्त होता है। ये N1 × D1 × H1 / W1 और इससे तीन गुना अधिक कार्य, तीन गुना अधिक कार्य बोले या तीन गुना बोले एक ही चीज है, तीन गुना अधिक कार्य एक अन्य कार्य को 25 दिनों यानी कितना D1 का मान 25 दिनों आठ घंटा प्रतिदिन यानी H2 का मतलब आठ घंटा कितना व्यक्ति को काम पर लगाना होगा तो मानता है एक्स पुरुष को, कितना एक्स पुरुष को। देखिए ध्यान दिया है 25 गलती से लिखा गया, ये 25 नहीं होगा ये 24 होगा, कितना 24, तो आप 24 कीजिए कितना बनेगा 24, ठीक है 24। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा 3 × 24, ठीक है 8 से 8 ना खत्म हो गया, ये 8 ना का 16 तो 12 ना 24, ये क्या होता है ना 24 पुरुष को लगाना होगा, कितना पुरुष 24 पुरुष को, कितना 24 पुरुष को, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक बार फिर ध्यान दीजिए, सोलह पुरुष आठ दिन काम करता है और डेली कितना 12 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो एक काम समाप्त होता है। अगर कितना व्यक्ति 24 नहीं 24 दिन, ठीक है 25 से ज्यादा 24 कीजिएगा तो 24 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए तीन गुना काम को करेगा, तीन गुना काम मैंने बगल तो कहा ना तीन, तो एक्स का मान आ गया 24, 24 पुरुष को लगाना होगा काम पर। आइए दसवां नंबर क्वेश्चन है, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर हो तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पंद्रह पुरुष यानी पंद्रह महिला 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन लगेगा, कितना दिन 21 दिन लगेगा और डेली कितना 8 घंटा प्रतिदिन। अगर 3 महिलाओं का काम यानी 3 वोमेन का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर है, 2 पुरुष के बराबर है, बताइए यहाँ मैन और वोमेन का रेशियो कितना हो रहा, डब्ल्यू और मैन के क्षमता का रेशियो कितना 2:3, 2:3 ये क्या निकला क्षमता का रेशियो। अगर आए तो 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मान लेते हैं ना एक दिन और प्रतिदिन कितना 6 घंटा, दोनों का लाभ बराबर, 15 आदमी 21 दिन काम करता है और 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो काम समाप्त होता है, यही काम को अगर 21 महिला कितना दिन काम करे और 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो काम समाप्त होना चाहिए, ठीक है N1 × D1 × H1 = N2 × D2 × H2। अब जो यहाँ पर मैन और वुमेन के जो क्षमता रहा यहाँ पर पुट कीजिए, डब्ल्यू का क्षमता का रेशियो कितना है 2, तो 2 पुट कीजिएगा यहाँ पर, और मैन का क्षमता कितना है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो अगर 15 × 45 × 21 × 8 ये जरा 21 × 2 = 42 × 6, अब काट कूट के लिए यहाँ पर तो ये आ गया 21 × 42 हो गया, अब और काटिएगा यहाँ से तो 2 × 8 हो गया, यहाँ पर 2 × 8 और काटिएगा यहाँ पर तो 3 × 6 या 2 × 6 और 15 × 45 यानी आ गया और 3 × 4 15 × 30 X = 30 कितना 30 दिन लगेगा, कौन सा ऑप्शन लगेगा बी नंबर, ऑप्शन बी, तो वही से लेना है N1 × D1 × H1 / N2 × D2 × H2 और यहाँ से दे दिया था कि 21 महिलाओं को 6 घंटा पर दिन काम करने के लिए उस काम को पूरा करने में कितना दिन, 21 महिला को पूछा था, 21 महिला को 1
नेक्स्ट दिन लगेगा कितना घंटा प्रतिदिन काम करके, छह घंटा प्रतिदिन काम करके, एक्स का मान कितना 30, आंसर आ जाएगा 30।